सुनते एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आए जिसमें हम प्रश्न वाले 16 के जो आगे मेन मेन क्वेश्चन है 16.1 के वो करते हैं। तो 16.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप का बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है कि दीवार की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश से 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है, तो दीवार बनाने में 20 सेमी × 10 सेमी × 7.5 सेमी आपके कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर केवल ईंटों की संख्या ही पूछे, कई बार क्वेश्चन आता है तो उसमें ईंटों का रेट भी दे देता है कि 1000 ईंटों का 1200 रुपए है, तो आप कुल खर्च बताइए कितना लगेगा। तो यहाँ पर अपने को ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी एक चीज से दूसरी चीज अपन कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उनके आयतन बराबर होंगे। तो यहाँ इस दीवार में जो जितनी ईंटें लग रही है तो उन सभी ईंटों का आयतन और इस दीवार का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो जब भी आपको ईंटों की संख्या निकालनी हो तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दीजिए तो आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि ईंटों की संख्या का गुणा आप एक ईंट के आयतन से करते हैं तो वो एक दीवार के आयतन के बराबर होगा। तो यहां पर जब भी आपको ईंटों की संख्या निकालनी हो तो दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का आयतन। तो सबसे पहले अपन दीवार की माप लिखते हैं। तो सॉल्यूशन, दीवार की जो लंबाई है, दीवार की लंबाई, तो दीवार की लंबाई आप यहां पे इसको अगर एल बी एच कैपिटल लेते हो तो इसको आप स्मॉल एल बी एच, अदरवाइज आप इस ईंट वाले को आप शॉर्ट में एक साथ ही एक ईंट का आयतन लिख सकते हो। तो यहाँ पर दीवार की जो लंबाई है वो एल कितना है, 5 मीटर। तो यहाँ देखिए ईंट की जो यूनिट है वो सेमी में है, तो आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बढ़ा लीजिए जिससे आपके पास पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये मीटर को आप सेंटीमीटर बढ़ा लीजिए तो ये 5 मीटर में हो गया 500 सेंटीमीटर। और दीवार की लंबाई के बाद दीवार की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई को अपन बी से डिनोट करते हैं, बी का मान ऑलरेडी सेमी में है तो ये 30 सेमी। उसके बाद दीवार की क्रमश में आया हुआ है तो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, तो दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई h बराबर 3 मीटर यानी 300 सेमी, ये आ गई है दीवार की माप। अब दीवार का आयतन, तो दीवार वो घनाभ के आकार की होगी तो दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 500 × 30 × 300। इसे आप गुणा में लिखे रहने दीजिए क्योंकि वो अपने अपॉन में लेकर आएंगे तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आपने इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया फिर आपको टेबल ढूंढने पड़ेगी कौन सी टेबल से कैंसिल करें। तो इसको आप मल्टीप्लाई में रख करके और आयतन है तो ये सेमी क्यूब हो गया है। अब दीवार के आयतन के बाद आप एक ईंट का आयतन वाला लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, ईंट की लंबाई चौड़ाई अगर ऊंचाई आप बताना चाहते हो इस तरह से तो आप दीवार वाले को कैपिटल एल बी एच ले लीजिए और ईंट वाले को आप स्मॉल एल बी एच, क्योंकि दोनों को अपन स्मॉल या कैपिटल एल बी एच से डिनोट नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, एक को कैपिटल से कर दीजिए दूसरे को स्मॉल से कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, तो एक ईंट का आयतन ये जो माप है वो इंटू में दी गई है यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों, तो 20 × 10 × 7.5 तो ये हो गया सेमी क्यूब ईंट का आयतन। अब दीवार और ईंट का जो आयतन है उन दोनों की यूनिट सेमी क्यूब ही है, अगर मीटर क्यूब होती तो फिर आप उसको सेमी क्यूब में बनाना होता या सेमी क्यूब होती तो दूसरे को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर अपने पास दोनों की यूनिट सेमी क्यूब है तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या का सूत्र क्या होगा कि दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, तो दीवार का आयतन कितना है 500 × 30 × 300 बटा में एक ईंट का है 20 × 10 × 7.5। अब इनको कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट अगर यहां से हटता है तो ये अंश में 10 चला गया, तो ये पॉइंट हटेगा तो बटा में 10 आएगा, वो उसका अपन व्युत्क्रम करेंगे तो वो अंश में 10, तो ये पॉइंट हटने के बाद ये हो गया 75 हो गया। अब ये, अब यहाँ पे इसको आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए आप 75 को 300 से काट सकते हो डायरेक्ट, अब 75 को 300 कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार, अदरवाइज आप इसको 25 से आप कैंसिल करके फिर दोबारा आप उसको छोटी टेबल से कैंसिल कर सकते हो, ये 4 बार कट गया है। 20 के अंदर जो ये 2 जीरो दोनों में
उससे आप ये 500 वाले दो जीरो कट गए। अब जो दो है उससे चार दो बार कट गया। अब अपने पास जो डिजिट बचे हैं वो कौन सा है, 30, 5 और ये 20 है, तो 30 का 5 से करोगे तो ये हो गया 150, 150 का किससे करना है 20 से, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो कितनी आ गई 3000 इंटें। तो उस दीवार को बनाने में 3000 इंटों की आवश्यकता होगी। कई बार इंटों का आपको मूल्य पूछ लेगा, कह देगा 1000 इंटों का 1200 रुपए है, तो आप इन जो इंटें लगेगी उसका कुल मूल्य व्यय बताइए, तो वहां पर आपको उसका कुल व्यय ज्ञात करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जाम में तो नहीं पूछा, सप्लीमेंट्री में पूछा है ये, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन है, एक दो विविध प्रश्नावली में है, तो उसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल 6 में भी है, तो ये सेम की सेम कैलकुलेशन होगी वहां पे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वही दिया हुआ है और आपको उसकी कोरों की माप ज्ञात करके आयतन भी ज्ञात करना है वहां पे। यहाँ पे आपको आयतन ज्ञात नहीं करना, सिर्फ कोरों की माप बतानी है। तो जब भी आपको किसी भी चीज में अनुपात दिया हो तो आप उसको x से गुणा कर दीजिए, जैसे ये 5x उसकी लंबाई हो जाएगी, 3x चौड़ाई हो जाएगी और 2x है वो ऊंचाई हो जाएगी, ताकि अपन ने उसमें x से भाग दिया तो उसका अनुपात आ गया। x क्या है, वो संख्या है जिस संख्या से अपन ने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में भाग देकर को उसको सरलतम रूप में बदला था, तो उस x का मान रखने को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 5:3:2 का है, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी 5x, चौड़ाई b हो जाएगी 3x और ऊंचाई h हो जाएगी 2x। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 × LB + BH + HL बराबर कितना दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो 2 का भाग ही इसी कंडीशन में भी दे सकते हो, तो यहाँ पे 2 × L का मान कितना है 5x, गुणा में B का मान कितना है 3x प्लस BH, तो 3x का गुणा होगा 2x से प्लस H इंटू L, तो 2x का गुणा होगा L कितना है 5x से, बराबर कितना है 558 है, तो 2 × 5 हो गया 15। अब x का x से गुणा हो रहा है तो x स्क्वायर आएगा, कई इसको 5 × 15x लिख देते हैं, जब ये जोड़ होता तो 5 × 3 8x हो जाता, लेकिन गुणा में घाते हैं वो जुड़ जाती है, तो एक और एक घात क्या हो जाएगी 2 घात होगी, प्लस 3 × 2 हो गया 6x² प्लस 2 × 5 से करोगे तो 10x² बराबर 558। तो ये 2 ब्रैकेट में 15 और 6 21 और 10 हो गया 31x² बराबर 558। अब अपने को x का मान निकालना है, तो x² को यहीं पर रखते हैं, ये 2 और 31 इसको आप चाहो तो 62 बना के कर दो इधर बटा में, अदरवाइज 558 के बटा में 2 और 31 है, तो ये 2 × 31 लिख दो, ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे टेबल ढूंढने नहीं पड़े, 2 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल करते हैं इसको, तो 2 की टेबल से 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा और 2 × 9 = 18 हो जाएगा, फिर 31 की टेबल से कितनी बार हो जाएगा 9 बार हो गया, तो x² का मान कितना आ गया अपने पास 9 आ गया है, तो x का मान हो गया 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये 3 यहाँ पे x का मान आ गया है, तो लंबाई का मान कितना था 5x था, तो 5 × 3 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, b का मान 3x था, तो 3 × 3 तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, h का मान कितना था 2x था, तो 2 × 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई है, तो लास्ट लिख दो, अतः घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, अदरवाइज आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप की कैलकुलेशन, क्योंकि वो जो एग्जांपल है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो ये कैलकुलेशन इजी है, और एक्सरसाइज का कई बार ऐसी कंडीशन है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न वाली और उदाहरण में से लास्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, या आप 2 सालों के पीछे के सप्लीमेंट्री और मेन एग्जाम के पेपर आप चेक कर लीजिए, प्रश्नावली का पहला लास्ट
और उदाहरण का भी पहला लास्ट, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के आसपास मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कीजिएगा, पहला और लास्ट क्वेश्चन, हर प्रश्नावली का पहला लास्ट उदाहरण, जिससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको। अगर आपके 10 नंबर भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं पहला और लास्ट अगर आपने अच्छी तरह से किए, तो उसकी वजह से आपको अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप गणित विषय के अंदर। आगे प्रश्नावली 16.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर दूसरा, अच्छा एग्जाम्पल है, 2 नंबर में आ सकता है। तो बेलन की ऊंचाई दी गई आपको, अच का मान दिया गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है और आपको त्रिज्या पूछिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकते हैं, जहां पे आपको आर का मान दे देगा या अच का मान दे देगा, और इसके साथ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया या आयतन का मान दे दिया, और उसके बाद में जो आर का मान देगा तो अच का मान पूछ लेगा, अच का मान देगा तो आर का मान पूछ लेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई का मान तो दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई अच का मान तो दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, और आप बेलन की जो त्रिज्या ज्ञात करनी है वो आप मान लोगे, माना बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को आपने क्या मान लिया है आर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πrh, कितना दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh का मान है 968। अब इस समीकरण के अंदर आप 2 × π का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान आपको ज्ञात करना है, एच का मान कितना दिया हुआ है 11 = 968। अब आर का मान जो ज्ञात करना है इसको अपन यही रखते हैं, और इसके साथ जो ये बाकी तीनों है, ये 2, 22/7 और 11, ये इधर गुणा से इधर भाग में जाएगी, लेकिन अपन डायरेक्ट गुणा से गुणा में लेके जाएंगे, तो इनका तीनों का व्युत्क्रम कर दो तो आर का मान निकालेंगे, तो 968 के गुणा में, ये देखो जो 1 और 7 बट्टा में है वो तो इधर गुणा में जाती है, और जो गुणा में वो बट्टा में आती है, तो उस कंडीशन से आप 2/1 को क्या लिख दो 1/2, 22/7 का 7/22 और 11/1 का 1/11। अब 2, 22 और 11 से ऊपर जो 968 और जो 7 है, इनमें से जो भी कैंसिल होता है उनको कैंसिल करेंगे, तो आप अगर 2 की टेबल से इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो 2 से कर, अदरवाइज 22 से कैंसिल हो रहा है, तो 22 की टेबल से 4 × 88 हो गया, फिर 8 बचेगा, फिर 22 का 4 करोगे तो 88 हो गया। अब 11 की टेबल से जो 44 है वो 4 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से 4 है वो 2 हो गया, तो आर का मान कितना आ गया 7 × कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अतः बेलन की त्रिज्या का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अगर 3 नंबर में बढ़ाना चाहता है तो आयतन पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होकर आए, तो त्रिज्या का मान देकर के आपको ऊंचाई पूछ सकता है, तो त्रिज्या अगर 14 होगी तो ऊंचाई का अगर आप मान निकालोगे तो 11 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान। एग्जांपल 5, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें आर और एच में से एक मान दिया हुआ था, दूसरा निकालना था। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो है आर और एच का मान अनुपात में दे दिया है, तो आपको आयतन भी दिया हुआ है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आर और एच दोनों के मान नहीं है तो आपको अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात वाली कंडीशन में आप उनको x से गुणा करके, और ये हो जाएगा x त्रिज्या और उसकी ऊंचाई हो जाएगी 3x, उसके बाद आयतन के सूत्र में अपन उसका मान ज्ञात करेंगे और x का मान निकालने का प्रोसेस, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई का जो मान अनुपात में है, तो जो बेलन, तो माना बेलन की त्रिज्या आर का मान हो जाएगा, जो अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिज्या और ऊंचाई है तो ये एक है, तो ये 1x हो गया, और बेलन की जो ऊंचाई एच है, एच कितना हो गया 3x, तो ये सेंटीमीटर में है। अब आर और एच का मान आपके पास यूनिट में आ गया है, अब बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन दिया हुआ है 3234 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना है 3234। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान कितना है एक्स, इंटू में एच का मान कितना है 3x = 3234। अब यहाँ पे इनका गुणा करेंगे तो 22/7 इंटू में 3x, और ये यहाँ पे 3x का गुणा जब x स्क्वायर से होगा, तो x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो गया 3x का क्यूब,
बराबर 3234। अब 3/1 है ये और ये 22/7, तो ये राइट साइड में पक्षांतरण होकर जाएंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो एक्स क्यू बराबर 3234 गुणा में 22/7 का बन गया 7/22, 3/1 का बन गया 1/3। या आप ऐसे कर सकते हो कि 7 जो बट्टा में है तो वो तो गुणा में चला गया और जो गुणा में है 22 और 3 वो आ गए भाग में। इस तरह से भी कर सकते हो आप 3234 × 7/22 × 3। अब यहाँ पे जो कैंसिल होंगे वो 22 और 3 से ये दोनों होंगे क्योंकि 7 से ये दोनों कैंसिल नहीं होते हैं, तो 22 की टेबल से कर सकते हो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल। तो 22 की टेबल से अगर आप कैंसिल करते हो तो 22 की टेबल का 1 बार तो 10 बच गया 103, 103 में 4 बार हो गया 88, 88 के बाद बच गया 12 और 3 15, 22 से आगे या आगे अपने पास 154 बन गया, तो 154 के अंदर 22 का भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा। अब 147 3 से कैंसिल होता है कि देखते हैं 3 का नियम क्या है कि अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 7 और 4 11 और 1 12, तो 3 का भाग जाता है 12 में, तो 147 में भी जाएगा। तो 3 की टेबल से 3 का 4 बार हो गया 12 और 3 का 9 बार हो गया 27, तो एक्स क्यू बराबर यह आ गया 49 × 7। अब देखो आपके पास यह एक्स क्यूब है, आप चाहो तो 49 का 7 से गुणा करके फिर 343 आएगा उसका घनमूल निकाल लो, अदरवाइज इसको आप थोड़ा सा छोटी क्लास की तरह चेंज कर सकते हो। 49 को 7 × 7 लिख दिया, 1 × 7 आगे है तो ये 7 का क्या हो गया है क्यूब। एक्स क्यूब का मान कितना है, 7 का क्यूब है, तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ गया है 7, क्योंकि दोनों की घात सेम है तो आधार की तुलना करेंगे तो एक्स का मान 7, अदरवाइज ये 3 है तो ये इधर घनमूल बन जाएगा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो। तो एक्स का मान कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया। अब एक्स का मान 7 आने के बाद आर और एच का मान निकालना है अपनी को, तो आर का मान कितना था, 1x था, तो 1x यानी 7 सेंटीमीटर हो गया, और एच का मान 3x था यानी 3 × 7 हो गया 21 सेंटीमीटर। अब इसने एक क्वेश्चन आगे और भी पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, तो 2 × 22/7 × r कितना है 7, ब्रैकेट में h का मान कितना है 21 + 7, तो ये 2 × 22/7 × 7 × हो गया 28, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 44 का गुणा 28 से करोगे तो यह आ जाएगा 1232 cm². संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था आपको, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, आप इन दोनों का गुणा करोगे तो 1232। तो इस तरह ये क्वेश्चन 3 नंबर की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल नंबर 6 अच्छा एग्जाम्पल है, इस तरह का एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री में आ चुका है। तो रोलर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो रोलर वाले क्वेश्चन में आपको जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसके एक चक्कर में जितना वो क्षेत्र समतल करेगा उसके बराबर आएगा। जैसे अपन ने पहिए वाले क्वेश्चन किए थे, तो उस पहिए का जो एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करता है वो उसकी परिधि के बराबर होता है। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि रोलर का ये जो भाग रोड के ऊपर ऐसे चलता है तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं ज्ञात करते, उसका ये वाला भाग रोड पे चलता है और इस भाग को अपन क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे रोलर का अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्र आएगा, उसके बाद आपको 5 चक्कर लगाने में ज्ञात करना है तो उसको 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ रोलर की जो लंबाई दे रखी है, रोलर की लंबाई है वो एच का काम करेगा, हाइट है वो उसकी, एच का मान कितना है 2 मीटर, और इसका जो व्यास दिया हुआ है व्यास कितना है 1.4 मीटर। तो अब ये पॉइंट आप अगर हटाते हो तो ये 14/10 मीटर इसको आप लिख दीजिएगा, तो ये 14/10 मीटर हो गया इसका व्यास। तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या r का मान ये 14/10, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 10 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 से 14 को काट दो तो 7 बार, तो ये 7/10 मीटर आ गया इसकी त्रिज्या। अब आप इसको 0.7 लिखोगे तो फिर आपको वापस पॉइंट हटाना पड़ेगा या फिर पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाएगा, उसे ये रहेगा कि आप इसको भिन्न में पड़ा रहने दीजिए, 7/10 मीटर आ गया ये इसकी त्रिज्या का मान। अब रोलर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये कितना आ जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा में पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर का मान कितना है 7 बटा 10 इंटू में एच का मान कितना है 2, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 दूनी 44 का 2 से करोगे तो 88 बटा में 10 या आ गया मीटर स्क्वेयर। अब अगर क्वेश्चन में चेंजेस करता है तो ये 5 चक्कर की जगह आपको दे देगा 10 चक्कर, जैसे 10 से 10 कैंसिल होके 88 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ जो रोलर का वक्र पृष्ठीय है वो एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र है, तो चूंकि एक चक्कर लगाने में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्र एक चक्कर लगाने में वो कितना करता है 88 बटा 10 मीटर स्क्वेयर। अब कितने चक्कर का पूछा इसने, इसलिए 5 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्र, तो 88 बटा 10 गुणा में 5, 5 से 10 को काटोगे 2 बार, 2 से 88 को काटोगे तो 4 बार, तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वेयर। तो अगर 10 देता है तो आंसर आ गया 88 मीटर स्क्वेयर। तो इस तरह से इक्वेशन बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री में आया भाई है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। अब बाकी इसके जो क्वेश्चन है मेन वो अपन कल की क्लास में लेंगे, आगे का अपना क्या सिलेबस रहेगा ये 16वीं पूरी होने के बाद, आगे मंडे से अपन इंग्लिश मीडियम के अंदर थ्योरम शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज 10 11 12 और 13 ये चारों एक्सरसाइज अपन इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो बाकी बचा हुआ है 5वीं एक्सरसाइज है, 3री एक्सरसाइज है, तो उनको अपन लेंगे। तो ये अपना आगे का पैटर्न है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।